सो लेट्स सी दैट अ क्वेश्चन इज अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लस 2 सेंटीमीटर. ओके, इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस. ये अंडरलाइन कर लेना कि भाई डाइवर्जिंग लेंस है और ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ कराया, 40 सेंटीमीटर. तो यू मैंने आपको बताया था नेगेटिव लेते हैं, तो यू इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर. ये आ जाएगा आपका डाइवर्जिंग लेंस है, तो मतलब डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस है. ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आप माइनस में रखोगे तो -15 सेंटीमीटर ही आ जाएगा. फाइंड द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज. तो पोजिशन के लिए तो वही लेंस में लेंस फॉर्मूला आपको लगाना है, तो लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 1/f = 1/b - 1/u सिंपल है इसमें. तो आपको 1/v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/f + 1/u. यहाँ पर आप एक ही मिस्टेक कर सकते हो, अगर साइन आपने गलत ले लिए हो तभी आपका आंसर गलत आ सकता है. तो -15 ही आ जाएगा. देन प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है आपके पास, -40. ये u की वैल्यू हो गई. ठीक है, आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एलसीएम ले लेते हैं. तो 15 × 40 में यहाँ लिख देता हूँ, 15 से 15 कैंसिल, तो -40 आ जाएगा. ठीक है, देन प्लस माइनस ये यहाँ पर माइनस और आ जाएगा, 40 × 40 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 15. ठीक है, इसको हम करेंगे तो माइनस 40 + 15 ये आपके पास आ जाएगा -55/15 × 40. ठीक है, तो ये तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1/v की. यहाँ से v निकालते तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -15 × 40/55. ठीक है, तो कैंसिल करते हैं, 5 से ही कैंसिल कर लेते हैं, ये 11 times एंड 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 15 हो जाएगा आपके पास, है ना. देन इसको सॉल्व करो, 30 120 माइनस एंड दिस इज डिवाइड बाय 11. तो -120/11 कितना आ जाएगा भाई, वी एक बार डिवाइड करके बता दो कितना आ जाएगा. -10.90 सेंटीमीटर. ठीक है भाई, ऐसा ही आएगा डिवाइड करोगे तो, है ना. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपन, एम लिख देते हैं. एम इज इक्वल टू h' / h = v/u मैग्निफिकेशन, क्योंकि इन्होंने पोजीशन पूछी है, तो पोजीशन तो आ गई आपके पास -10.90. साइज यहाँ पर पूछा हुआ है, तो साइज के लिए हम लगा देते हैं भाई h' = v/u (h), ये फॉर्मूला लगा देते हैं. ठीक है, तो v देखो आपके पास कितना है, v है -120/11, ये तो आपके v की वैल्यू है, इंटू यू, यू की वैल्यू है -40. तो -40 आपके जो है u की वैल्यू आ गई, इंटू h, तो h आ गया आपका +2, है ना. तो इसको कैंसिल करें तो 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 से ये कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 4, एक इस माइनस से इस माइनस को हटा जाते हैं. ठीक है, और 2 1 2 और 2 6 12 इसको कर देते हैं, तो ये कुछ आएगा आपके पास 6/11. तो 6/11 को सॉल्व करो कितना आ रहा है, एच डैश 6/11 सॉल्व करो, 0.54. ठीक है, सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स. व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लेंस हैविंग अ पावर ऑफ 0.5. सर सबके फोरफोल्ड लिख दें. ठीक है, हाँ, बोनस नहीं, बोनस सिर्फ प्लस वन का. फोर का कब बोनस होता है, ठीक है, ओनली प्लस वन का बोनस. तो जीरो प्लस यानी प्लस 0.5 डायोप्टर दे रखा है, तो आप जानते हैं कि पावर जो है वो पॉजिटिव है, और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/ फोकल लेंथ होता है. तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी यहाँ पर पॉजिटिव है. तो फोकल लेंथ जो पॉजिटिव होती है वो कौन से लेंस की होती है, कॉन्वेक्स लेंस की. तो यहाँ से जो लेंस होगा आपका वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा. तो प्लस वन आपका अपने रिकॉर्डिंग के लिए कर देते हैं. इसमें बताना है आपको व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लेंस, लेंस कैसा है. नेचर ऑफ द लेंस का मतलब ओनली आपको बताना है कि कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है. तो पावर आपको दे रखी है -4 डायोप्टर. तो अगेन जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/फोकल लेंथ. ठीक है, तो 1/फोकल लेंथ, तो यहाँ पर पावर आपके नेगेटिव है, इसका मतलब जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ भी क्या है, नेगेटिव है.
और नेगेटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है? कॉनकेव लेंस की। तो यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? कॉनकेव लेंस। ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या होगा? कॉनकेव। चलो देखो यहाँ इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4.25 mm, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है आपको और ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस में ही लेते हैं अपन, और ये दे रखी है 4.25 mm। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है आपका, 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। तो यहाँ से आप जो 1 mm होगा, 1 mm आपको आ जाएगा 1/10 cm के बराबर हो जाएगा। तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, चेंज करना है आपको, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा आपका 0.425 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस डेटा डिस्टेंस ऑफ 10 cm, तो u दे रखा है आपको, तो u इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा, u इज इक्वल टू -10 cm हो जाएगा फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि लेंस किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, वो हमेशा द बैक ऑफ द माइंड याद रखना है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए सॉल्व कर रहे हो। अब उसकी पावर दे रखी है आपको, पावर इज इक्वल टू दे रखिए +5 diopter, पावर आपको दे रखिए +5 diopter। आपको बताना है कि फोकल लेंथ कितना होगा और साइज ऑफ द इमेज कितना होगा। सबसे पहले ध्यान, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला लगाना है आपको, लगाना है 100 / f in cm, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पावर ऑफ लेंस आपकी आएगी डायोप्टर में। ठीक है, अब यहां से अगर मैं ये लिखूं कि f in cm, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 100 / p। ठीक है, यानी यहां से अगर कुछ थोड़ा सा और अरेंज करें इसको अपन फॉर्मूले को, तो आप देखो कि पावर अगर आपको डायोप्टर में दे रखी हो और फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में निकालनी है, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको लगाना है p = 100/f in cm। ठीक है, तो यहाँ से जो अपन फोकल लेंथ निकालेंगे तो फोकल लेंथ आएगी 100/p, और फोकल लेंथ अब जो सॉल्व करके आएगी वो किसमें आएगी? सेंटीमीटर में। तो 100/p, पावर कितनी दे रखी है उसकी? 5, तो 5 × 10, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 20 cm। तो इस तरह से आपको फोकल लेंथ निकालनी है। एक तो ये सीखना है आपको, ये चीज लर्न करनी है, ठीक है, कि पावर आपको डायोप्टर में दे रखी है और फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला जो आप लगाओगे वो लगाओगे p = 100/f, जहां पर कि f क्या है? फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, और पावर किसमें? आपके डायोप्टर में। तो आप एज इट इज वैल्यू यहाँ पर रखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ आ गई आपके पास 20 cm। ठीक है, पहला टास्क तो आपका पूरा हुआ, फोकल लेंथ आपके पास है, वी यू आपके पास है, तो अब आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है। तो 1/f = 1/ सर वापस आ गए। ठीक है, हाँ ठीक है, इसी को देखना आप, नेटवर्क इश्यू कुछ बन हो रहा है इसमें, है ना। चलो तो अभी आपको लगाना है फोकल लेंथ, लेंस फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = 1/p - 1/u। यहां से आपको फाइंड आउट करना है 1/v। ठीक है, तो 1/v = हो जाएगा आपके पास 1/f + 1/u। ओके, अब 1/f फोकल लेंथ कितनी है आपकी? 20 cm, प्लस 1/u, यू कितना दे रखा है आपको? -10 cm आपको दे रखा है, यू दे रखा है। तो यहाँ से 1/v = कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपके पास 1/20 - 1/10। इसका एलसीएम ले लो, जैसे आपने 20 एलसीएम लिया, तो 20 अगर आप एलसीएम लेते हो यहाँ पर, तो 20 एलसीएम लोगे तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, 1 - 2, तो 1 - 2 मतलब -1/20 आ जाएगा, ये 1/v आ गया, तो v = आपके पास आ जाएगा -20 cm। ठीक है, तो v आ गया आपके पास -20 cm। अब फाइंड आउट क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं कि भाई h'/h = v/u होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ से h'=, कितना जाएगा? v/u (h) आ जाएगा। ठीक है, v देखो कितना है आपके पास, v है -20। ठीक है, u देखो कितना है, u है -10 एंड इंटू h दे रखा है आपको 0.425। ठीक है, इससे इसको कैंसिल किया, इधर से इधर कैंसिल करा,
ठीक है, अब इसको नीचे कर दो आप 1000, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो इधर से, आपके पास एच डैश आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आएगा एच डैश इज इक्वल टू 0.850 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, फोकल लेंथ आएगा 20 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 0.850 सेंटीमीटर। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई, इंटरनेट लैग हो रहा है, स्क्रीन स्क्रीन तो विजिबल है, स्क्रीन तो विजिबल है ना आपको, मेरी आवाज ही तो हो रही है, स्क्रीन तो विजिबल है ना, तो आप तो स्क्रीन से करो ना काम, लो एक क्वेश्चन कर लो यार, लो चलो एक क्वेश्चन कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ध्यान रखना आपको है ना ग्रुप में अपने मार्क्स भेजने, पिछले वाले क्वेश्चन में हर्षित 2 मार्क्स है तुम्हारे, ठीक है, और बाकी सबका तो रॉन्ग ही था, तो उसमें नहीं है, हर्षित के 2 मार्क्स है पिछले क्वेश्चन में, कल के जैसा नहीं होना चाहिए, मुझे नंबर आपके सब सर, फिर तो 3 मार्क्स दे दो, मत साइन की गलती है। हाँ तो वो गलती तो है ना, अब अपनी गलतियों से तो सीखेंगे अपन, ठीक है चलो इसको करो, सर आपकी स्क्रीन नहीं हो रही है विजिबल। हाँ एक सेकंड रुको, मैं दोबारा करता हूँ, येलो अब ठीक है, अब है ना हो गई विजिबल सर, मुझे नहीं हो रही है, एक बार क्या करें, मीटिंग ऐसा करो वो करके ऑफ पावर का फॉर्मूला बता दो, मीटिंग ऐसा एग्जिट करके फिर रिज्वाइन कर लो, ऐसा करो मीटिंग जो है एग्जिट करके रिज्वाइन कर लो सर, आप सर हम सर इधर लाइट भी चली गई है और लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, तो सर कल ही करें क्या, अभी लास्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन शो कर दिया तो बहुत ज्यादा लाइक इंटरनेट प्रॉब्लम, अब शो कर दिया तो कर लो यार, आप कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का फॉर्मूला बता दो, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का फॉर्मूला कुछ नहीं है, एलजेब्रिक सम करना है आपको, पावर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकालनी है आपको, एलजेब्रिक सम करना है उनका, एलजेब्रिक सम यस x + y / 2, अरे सिर्फ ऐड करना है उनको एलजेब्रिकली, अगर प्लस है तो प्लस से ऐड करना है, माइनस है तो माइनस, अगर ये सेशन हो, अगर ये सेशन ओवर हो जाता है और क्वेश्चन नहीं होता, आंसर किसी के नहीं आते, तो पिछले जहां तक का आपका है उसके मार्क्स आपको पोस्ट करने हैं ग्रुप में, और इस बार थोड़ा ध्यान से सबको करना है ईमानदारी से, ठीक है, अगर मान लो ये मेरा आ गया, हाँ आपको मैसेज कर दो, आप तो मैंने आपको सेंड कर दिया आंसर, अगर श्योर नहीं हो तो मैसेज मत करना, मैंने कर दिया, स्क्रीन जो है नहीं विजिबल हो रही है, चलो फिर कोई बात नहीं, इसको सेशन को एंड करते हैं, रहने दो सबको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं नहीं अब कुछ मत करो, रहने दो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, इससे पहले जितने सर कर रहे हैं हम सॉल्व, करो तो फिर करो, 5 मिनट बचे हैं करो चलो, क्योंकि अभी तक तो आंसर किसी का सही नहीं आया है जिसने भी आंसर किया है, हाँ सर करो करो करो, 5 मिनट है, बट अगर सेशन ओवर हो जाता है तो जो लास्ट क्वेश्चन तक का आपका स्कोर था वो आपको मैसेज करना है, ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है, 2 आंसर करना है, एक तो बताना है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस वाई क्या होगी, और दूसरा बताना है कि y जो है वो कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये आंसर करने दो, फोकल लेंथ बतानी है y की, और दूसरा आपको आंसर करना है कि सर मैंने जो आपको सेंड किया है ना वो तो v आया सर, वो तो नहीं सर, मैंने जो आपको सेंड किया ना वो तो एक वैल्यू आई है, ओनली आंसर, ओनली आंसर चाहिए, ओनली आंसर, यस ओनली आंसर, फोकल लेंथ क्या होगी y की पहला तो ये, और दूसरा आपको ये बताना है कि जब फोकल लेंथ आ जाएगी तो नेचर तो अपने आप आ ही जाएगा कि भाई प्लस आ रहा होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, माइनस आ रहा होगा तो कॉनकेव लेंस होगा, क्या है सर मैंने आपको कर दिया 0.0 वो सर मीटर में यस सर, आंसर तुमने निकाला जरूर है सर, यूनिट्स चेक कर लो, यूनिट्स चेक कर लो, यूनिट्स की मिस्टेक हो रही है, आंसर तो मैंने जो आपको डाला है ना
वो मीटर में, अब उसको सेंटीमीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में निकालो, सेंटीमीटर में निकालो, सेंटीमीटर का। हाँ ये हाँ ये ध्यान रखना, अगर किसी ने भी सही आंसर कर दिया तो बाकी सबको मार्क्स वो उसके अकॉर्डिंग अलॉट हो जाएंगे और ये क्वेश्चन कंसिडर्ड होगा। और लास्ट के 1 मिनट होते, अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, 3.5 मिनट। किसी ने भी अगर सही आंसर कर दिया है, किसी भी स्टूडेंट ने अगर सही आंसर कर दिया है तो उसको मार्क्स अवॉर्ड होंगे और उसी के अकॉर्डिंग बाकी स्टूडेंट्स को भी मार्क्स अवॉर्ड होंगे। लास्ट लास्ट 1 मिनट जब बचेगा मैं कर दूंगा, मैं बता दूंगा। चिन्मय ने आंसर करा है, हिमानी ने आंसर करा है, चिन्मय ने आंसर करा है, हिमानी ने। नेचर भी लिख दो, लेंस का नेचर क्या होगा, नेचर कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों आंसर करने हैं। और भी हिमानी ने पहले टाइप कर दिया, हिमानी ने पहले टाइप कर दिया, चिन्मय टाइप करो फटाफट। सर मैंने तो इसलिए टाइप नहीं किया क्योंकि आपने बोला था माइनस और प्लस से पता चल जाएगा कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो करना तो पड़ेगा ना, उसमें दो पार्ट पूछे हुए हैं ना ए और बी, उसमें दो पार्ट पूछे हुए हैं सर, सर लेकिन मेन आंसर तो मैंने दिया ना सर, मेन तो सर मेरे को तो 4 ही मिलेंगे ना सही निकला तो। अब वो देखता हूँ मैं कि इसके अलावा और कौन आंसर करता है। अब क्योंकि आंसर आ चुके हैं और आंसर सही भी आए हैं, इसलिए अब ये क्वेश्चन जो है मार्क्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि इसके मार्क्स होंगे अलॉट। ठीक है, इसके मार्क्स अलॉट होंगे। सर आप नोट्स डाल दीजिएगा सर, नोट्स हाँ नोट्स डाल दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है तुम चारों के चारों अपने मार्क्स जरूर डाल देना बेटा, इतनी अपन ने वो करा है तो पता लगना चाहिए किसके फर्स्ट मार्क्स हैं, किसके सेकंड है, किसके थर्ड मार्क्स हैं। ठीक है ना, तो मार्क्स अपने जरूर ईमानदारी से ग्रुप में डालना ताकि मैं उस पर कमेंट कर सकूं। अभी डाल दीजिएगा नोट्स। हाँ नोट्स तो अभी डाल दूंगा। 50 सेकंड्स और हैं, 50 सेकंड्स के बाद मार्क्स बता दूंगा मैं, यानी इस वाले क्वेश्चन के मार्क्स बता दूंगा। सर आप बताइए ना, तो बता रहा हूँ ना, जो टाइम फिक्स कराया जाए तो बताऊंगा। बहुत इजी था जैसे आपने बोला ना कॉम्बिनेशन का वो लगाना है, तो सर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर, करूं? Yes, sir. नहीं, अब तो 19 आपने बोला सर एलजेब्रिक से करना, हाँ, बस उससे तो हो जाएगा सॉल्व, एलजेब्रा से ही हो गया, हाँ, उसी से सॉल्व। उसमें फोकल लेंथ ऑफ वाई निकालना है तो सर 1/fx होता है सर, बहुत इजी है क्वेश्चन, इजी है सॉल्व, फॉर्मूले तो आपके पास है, अब किसी ठीक है। अब लास्ट 1 मिनट बचा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको आंसर, हिमानी और चिन्मय दोनों के, हिमानी चिन्मय दोनों के आंसर सही है। ठीक है, चिन्मय ने पहले आंसर करा था बट उसने कॉनकेव नहीं लिखा था, हिमानी ने उसके बाद आंसर कराया और उसने कॉनकेव लिख दिया था, तो दोनों के 4-4 मार्क्स हैं। ठीक है, दोनों के 4-4 मार्क्स हैं। हर्षित जो इसका राइट आंसर है वो -60 सेंटीमीटर है और नेचर कॉनकेव लेंस है। yes, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में, और नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है फिर भी आपने आंसर कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और एंजल के नेटवर्क का इशू था तो एंजल के लिए बोनस करते हैं अपन इसको। ठीक है, 2 मार्क्स बोनस करते हैं क्योंकि इसका नेटवर्क इशू कर रहा है। अर्षित का तो गलत करा है इसने, 0 है, ये तो 0 मार्क्स है इसके। नेचर सही है, नहीं उससे क्या मतलब है, वो नेचर तो आ ही जाएगा ना, फोकल लेंथ निकालोगे तो नेचर आ ही जाएगा, पर फोकल लेंथ